नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी कॉप धर्मवीर सिंह में। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 जो आपकी वैकेंसी की जो आपके एग्जाम है इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपको मैथ नहीं आता है, बहुत से बच्चे हैं जिनको ज्यादातर मैं देख रहा हूँ अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमको मैथ समझ में नहीं आता, क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जिन बच्चों को मैथ समझ नहीं आता है, जिन बच्चों को समस्या हो रही है, बस अब आप जो मैं एक आपको बताने जा रहा हूं, अब आपके पास अंतिम समय है। अगर आप ये कर लोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 वैकेंसी, जिसमें आपके टोटल फॉर्म की संख्या आपको पता होगा कि 47 लाख है। एक अगर सीट चाहिए तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर बच्चे जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी पुलिस से संबंधित आपको पता होगा इस पर सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। एडमिट कार्ड आपके कब तक आएंगे और एग्जाम सिटी आपको कहां पर मिलेगी इस प्रकार संबंधित, और आपका मेडिकल कैसा होगा, कट ऑफ किस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार की आपको इस चैनल पर वीडियो मिलते रहते होंगे, आप लोग देखते होंगे। लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपोर्टेंट है कि आपको अगर मैथ नहीं आता है तब भी आपका सिलेक्शन होगा, बस आपको इतना करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको, क्योंकि अंतिम समय में मैंने भी यही किया था, तो शायद हो सकता है कि आप अगर ये करो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्या करना है आपको देख लीजिए कि देखो 60,244 आपकी जो वैकेंसी है जिसमें बहुत से बच्चे हैं जिनको मैथ नहीं आता है, मैथ नहीं आता है और हमारे पास लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि 38 क्वेश्चन है और हमें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, सिलेक्शन कैसे होगा। देखो, और सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत से बच्चे जो अक्सर हमारे पास रिव्यू दे रहे हैं, जीएस में आपको अगर 30 प्लस नंबर लाना है तो आपको क्या करना है, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये शानदार नोट्स हैं जो आपकी पहले भर्ती हुई थी उसमें और जो आपके फरवरी में पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आए थे वो इसमें निर्धारित हैं। अगर आप लोग, और इसकी खासियत ये है कि वन लाइन फॉर्मेट में है, अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है और इसको यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले अंतिम समय में रामबाण है, ये अंतिम समय में राम मार है। बहुत से बच्चे हैं जो इस पीडीएफ को खरीद कर तैयारी कर रहे हैं और अक्सर हमारे पास कमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये पीडीएफ को आपको एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा। इस पीडीएफ में ये है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आप कहीं इस कोचिंग जा रहे हो या रास्ते में हो तो आप अपने मोबाइल में ओपन करके इसको पढ़ सकते हो। इसमें ये खासियत है, आप बुकें मोटी मोटी पढ़ोगे अंतिम समय में तो आपको ये जानकारी नहीं होगी कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम कहाँ से पढ़े। इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही हेल्प उपयोगी होगी। मात्र जो इसकी प्राइस है मात्र ₹39 है, मात्र ₹39 प्राइस है, जो आप लोग देख सकते हैं कि 3 या 4 समोसे बराबर है जो आप पर डे, शायद हो सकता है बहुत से बच्चे समोसे खा के निकाल देते होंगे, एक जो आपका प्राइस है, क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ गई है तो इसका प्राइस भी बढ़ने वाला है। अगर आप अपनी अभी खरीद लोगे तो आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अब ये समझ लीजिए कि आपको अगर मैथ नहीं आता है तब भी आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये समझ लीजिए। देखो, मैथ में आपको बता रहा हूं, नंबर एक साधारण ब्याज, समझ लीजिए विस्तार से, साधारण ब्याज। नंबर दो रेलगाड़ी वाले प्रश्न। नंबर तीन क्षेत्रमिति। नंबर चार सबसे ज्यादा, देखो आप बच्चे हैं अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि अंतिम समय में मुझे क्या पढ़ना होगा। देखो, नंबर चार आपके, जैसे कि आप लोग साइन थीटा कॉस वगैरह आप देखते होंगे, इससे संबंधित आपके जो प्रश्न है लगभग 2 से 3 प्रश्न इससे आते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी से 1 से 2 प्रश्न आपके रेलगाड़ी से आएंगे, साधारण ब्याज से 1 से 2 प्रश्न हो गए। ये आपके मुख्य टॉपिक हैं जो हर बार परीक्षा आती है उसमें इस प्रकार के आपके प्रश्न इन्हीं चैप्टरों से पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके इसमें जो बट्टा आता है, बट्टा के प्रश्न स्पेशल आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो डिस्काउंट होता है, इसी से इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं, इससे आपके प्रश्न 1 से 2 आते हैं। ये 4-5 चैप्टर मुख्य हैं। और उसके बाद आप आंशिक दशमलव वाले प्रश्न भी होते हैं, वो भी आते हैं। तो आपको मैं ये चैप्टर बता दिए, 3-4 चैप्टर ऐसे हैं
जिनको आप कवर कर लोगे तो आप कम से कम आपके 6 से 10% बन जाएंगे, कम से कम बात कर रहा हूं मैं, 6 से 10% बन जाएंगे। और जो आपके टोटल प्रश्न है, आप लोग देखते होंगे कि जो आपके 38 प्रश्न आते हैं, आपके लगभग 15 से 16 प्रश्न आपके मैथ में आते हैं, 15 से 16 प्रश्न आपके मैथ में आते हैं। और जो आपके बाकी के प्रश्न होते हैं वो आपके चले जाते हैं रीजनिंग में, रीजनिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप अंतिम समय में आपको क्या करना होगा, आपको जो भी मुख्य मुख्य चैप्टर हैं जो आपके, उसको आपको लगाना होगा, क्योंकि रेलगाड़ी से संबंधित अक्सर हर आप लोग देखते होंगे, आपने फरवरी में पेपर दिया होगा उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, और साधारण ब्याज में भी आपसे प्रश्न पूछे गए थे, जो आपके 4-5 चैप्टर हैं, अगर आप इनको भी कंप्लीट कर लोगे, जिनको मैं इन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, वो समझते हैं कि उनको लगता है कि 100 में से हमारे नंबर 20 आएंगे, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, जिनको मैथ्स अच्छा खासा आता है, तो वो तो आप अपना जितने आपके चैप्टर हैं जो आप कोचिंग पढ़ रहे होंगे, मुख्य आपके चैप्टर हैं, वो आप पूरे कंप्लीट कर लें। जिन बच्चों को लग रहा है कि हमें बिल्कुल भी अब मैथ नहीं पढ़ना है, हमको इस प्रकार से तैयारी करना है, अगर आप मैथ नहीं पढ़ रहे हो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप रीजनिंग में इधर फोकस करोगे, उसके बाद जो आपको मैंने जीएस बताया, अगर आप इस जीएस को पूरा पढ़ लोगे तो आपको 30+ नंबर का इसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और अंतिम समय है, अब आपके पास मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट में ज्यादातर मैं देख रहा हूँ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमारे मैथ में नंबर बहुत कम आ रहे हैं, इस प्रकार से आपके बहुत नंबर कम आ रहे हैं, तो आप मैथ पर ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि आप मैथ की जगह आप अदर सब्जेक्ट पर फोकस कर लोगे, जैसे जीएस हुआ आपका, रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, तो आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैथ में आपका टाइम भी ज्यादा लगता है, अब अंतिम समय में आपको यही करना होगा। और एग्जाम सिटी है और एडमिट कार्ड है, उसकी अपडेट बहुत जल्द आने वाली है, आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में 2 दिन पहले भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है कि जिसमें आपकी जो परीक्षा की तिथि है वो पहली शिफ्ट में 10 से 12 और जो आपकी सेकंड शिफ्ट है वो आपकी 3 से 5 कर दी गई है। और कट ऑफ से संबंधित आप लोग अक्सर परेशान है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है अभी रेडियो ऑपरेटर का और SSC GD का, रेडियो ऑपरेटर का आप लोगों ने देखा होगा कि भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आ गया है जिसमें CRL की जो जांच हो रही है, CRL मतलब ये होता है कि जिन बच्चों के नंबर आए हैं, जितने बच्चे आपके 4216 और 370 बच्चे पास हुए हैं, इन बच्चों की जो कॉपी है जो फिर से जांच होगी और देखा जाएगा कि किस प्रकार से इनने एक प्रश्न को किस प्रकार से हल किया है। इस प्रकार से आप लोग घबराए ना, आपके जो कट ऑफ है आप लोग समझ रहे होंगे कि 90% आपको 358 लगभग 358 और कट ऑफ गया है 400 में से, तो आप लोग ये समझ रहे होंगे यूपी पुलिस का कट ऑफ आप जाएगा, अभी तक जितनी भर्ती हुई है 230+ कट ऑफ कभी नहीं गया यूपी पुलिस का, ये समझ लीजिए आप, ठीक है, आप घबराए नहीं, आप अपनी तैयारी करते जाए और मैं आपको इस प्रकार से वीडियो बना के जो भी जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा, ठीक है भाई लोग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।